सीएस फॉर ऑल के पिछले जो बैचेस हैं वो काफी सक्सेसफुल चल रहे हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि नेक्स्ट बैच कब लॉन्च होने वाला है। वो दिन फाइनली आ चुका है एंड हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सीएस फॉर ऑल का न्यू बैच ऑन 7th of April। आप लोग अभी तक बहुत सारे अप्रिसिएशन मैसेजेस देख चुके होंगे लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू, जहां पे हमारे जो स्टूडेंट्स है वो हर दिन कुछ ना कुछ न्यू सीख रहे हैं जो उन्हें अभी तक पता ही नहीं था। एंड बहुत सारे बच्चों का तो ये भी रिमार्क्स था कि इंडिया में इतना इनडेप्थ कोर्स अभी तक क्यों लॉन्च नहीं हुआ था। तो जिनको इस कोर्स के बारे में नहीं पता, हम लोग कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं इस कोर्स के थ्रू। सबसे पहले हम लोग इनडेप्थ C++ सीखने वाले हैं। बाय इनडेप्थ C++ आई मीन वो टॉपिक C++ के जो आपने अभी तक कवर नहीं किए, ना ही आपको स्कूल में या फिर कॉलेजेस में पढ़ाई गई है, ना कोई डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ाई गई है। ये चीज आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, ये बात मैं गारंटी से दे सकता हूं। सो इस कोर्स में C++ हम लोग इनडेप्थ कवर करने वाले हैं, जहां पे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स को जीरो से बिल्डअप करेंगे, जैसे कि एक अरे को जीरो से बिल्डअप करना, एक वेक्टर को जीरो से बिल्डअप करना, एक हैश मैप को जीरो से बिल्डअप करना। मैं आपको डिबगिंग सिखाऊंगा प्रैक्टिकली, साथ ही साथ एड्रेस में चेंजेस कैसे होती है, जो हमारी मेमोरी होती है वहां पे जाके चेंजेस कैसे होते हैं वो प्रैक्टिकली मैं विजिबल करवाऊंगा आपके आंखों के सामने। साथ ही साथ ओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ वो भी कंप्लीटली कवर होने वाला है हमारे C++ वाले सेक्शन में। साथ ही साथ हम लोग एक बड़ा सा असाइनमेंट करेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल असाइनमेंट, एंड एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बिल्ड करने वाले हैं विद C++। So, ये हो गया हमारा स्टार्टर। इसके बाद हमारा आता है कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज कवर करेंगे। इसमें आपका बाइनरी सर्च भी आता है, इसमें आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी आता है, इसमें आपका ग्राफ्स, ट्रीज, सेगमेंट ट्रीज, DSU, हर एक चीज आता है। जो कॉन्सेप्ट्स आपको नॉर्मल कोर्सेज में नहीं मिलेंगे वो भी यहाँ पे कवर्ड हो रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट्स, जो एल्गोरिथम्स आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, कोड फोर्सेस, कोड शेफ में लगेंगे वो भी यहाँ पे कवर होंगे। तो इस एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वाले सेक्शन से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप कैंडिडेट मास्टर बन सकते हो, आप मास्टर बन सकते हो, आप साथ ही साथ इंटरव्यू में भी फोड़ सकते हो, आपके ऑनलाइन अरेंजमेंट राउंड्स आराम से क्लियर हो जाएंगे, इस बात की अश्योरिटी मैं देता हूं। तो इसके बाद हमारा आता है सिस्टम डिजाइन, जिसमें हम लोग LLD, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, API डिजाइन, फंडामेंटल्स और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि एक WhatsApp बनाते कैसे है, एक Netflix ऐप को डिजाइन कैसे किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स में मिलने वाली है। तो सिस्टम डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक हायर लेवल पोजिशन पे। तो इफ यू आर अ प्रोफेशनल एंड वॉन्ट टू स्विच टू डिफरेंट कंपनी, सिस्टम डिजाइन इज अ मस्ट फॉर यू। इवन इफ यू आर अ फ्रेशर एंड आपको हायर कंपनीज, अच्छी कंपनीज, प्रीमियम कंपनीज टारगेट करनी है, जैसे कि Uber, Atlassian, Google, तो आपका सिस्टम डिजाइन का नॉलेज होना आपको स्टैंड आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। तो सिस्टम डिजाइन पढ़ के आप सीनियर लेवल पोजिशन पे भी इंटरव्यू दे सकते हो, जैसे कि मैंने दिया था बीइंग अ 2022 ग्रेजुएट। यस, मैंने अमेज़न में SDE2 लेवल पे इंटरव्यू दिया था बिकॉज मेरे को सिस्टम डिजाइन पता था। सो सिस्टम डिजाइन विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इन योर एंटायर करियर। तो जितना जल्दी हम सीखेंगे ये सारी चीज, उतना बेहतर हम बनेंगे, उतना स्टैंड आउट करेंगे, उतना टॉपर लेवल प्रिपरेशन हमारा होने वाला है। तो मेरा, मेरे टीम का, सीएस फॉर ऑल का एंटायर मोटो यही है कि आपको एक टॉपर लेवल प्रिपरेशन दी जा सके, जिससे हर एक क्वेश्चन जो आपके सामने आ रही हो वो आप कवर कर लो, वो आप आंसर कर लो, कोई भी चीज ना छोड़ जाए ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, एंड यू एक्सेल द इंटरव्यू विद ए क्लास रिजल्ट्स। इसके बाद आपका डेवलपमेंट जो सेक्शन है वो भी हम कवर करने वाले हैं 6 डोमेन्स पे, अलग अलग डोमेन्स पे, ब्लॉकचेन बोल लो, क्लाउड बोल लो, ऑगमेंटेड रियलिटी बोल लो, डीप लर्निंग बोल लो, रिसर्च प्रोजेक्ट्स बोल लो, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बोल लो, इन सारी डोमेन्स पे आपके एक एक प्रोजेक्ट्स होंगे। जो इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे इंडस्ट्री लेवल एडवांस प्रोजेक्ट्स है जो आपको अगेन स्टैंड आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को CS फंडामेंटल्स, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग भी कवर करवाने वाला हूँ, ताकि आपके सिस्टम डिजाइन के लिए जो प्रीरिक्विजिट्स है वो कवर हो जाए पहले, फिर हम लोग सिस्टम डिजाइन पे मूव फॉरवर्ड करेंगे। एंड फाइनली
जो सबसे खास बात है इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स का, वो है 100% जॉब असिस्टेंस। आप लोग वंस हमारा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, आप मेरे अंडर कंप्लीटली ट्रेन हो जाते हो, फिर हमारे साथ जो रिक्रूटर्स कनेक्टेड है उनके पास हम लोग आपका प्रोफाइल, आपका रिज्यूमे पुश करेंगे, फिर वहां से आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल्स पाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, एंड इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको जॉब ऑफर भी बहुत आसानी से मिल सकता है। तो बीइंग फ्रॉम अ टीयर 3 प्राइवेट कॉलेज इन कोलकाता, मुझे पता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स कहां कहां होती है, आप लोग फंसते कहां हो ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन, मुझे पता है कि कहां कहां क्या करना चाहिए, किस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना चाहिए। एंड आप लोग अगर सेल्स फॉर ऑल के चैनल को भी फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा मेरे पढ़ाने का मेथोडोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम अदर पीपल, एंड यू विल लव इट। तो आप अगर न्यू हो इस चैनल पे तो डेफिनेटली जाके हमारे लेक्चर्स देखो सीएस फॉर ऑल के यूट्यूब चैनल पे, एंड वहां से आपको पता लग जाएगा कि हम लोग किस लेवल पे प्रिपरेशन करने वाले हैं इन दिस एंटायर प्रिपरेशन कोर्स। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स, स्टूडेंट के डिमांड पे ये लॉन्च हो रहा है तो डेफिनेटली डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, वरना 6 महीने बाद जब आप रिजल्ट देखोगे बच्चों के तो आप रिग्रेट करोगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। सो डेफिनेटली जल्द से जल्द जाओ रजिस्टर करो, आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं बहुत जल्द लेक्चर्स में इन द प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। सी या, बाय बाय, टेक केयर।